एवरीवन, कैसे आप सब सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो भाई आज के जो मेरे वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत सारे बंदे हमेशा बोलते हैं कि भाई जॉब्स के बारे में बताओ, जॉब्स कैसे मिलेगी। जॉब हम इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए, हम नेपाल में बैठे हुए हैं, एनी वेयर कंट्री में आप लोग बैठे हो, आपको जॉब कैसे मिलेगी मैं बताता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। पहले अगर जो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि यार आपको इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। राइट, मैं आपको रियलिटी शो करता हूँ हमेशा। आप कोई भी कंट्री में बैठे हो, किधर भी आप लोग बैठे हो, ठीक है। क्या है भाई जान? तो भाई आए हैं हमारे पास में घर पे। और कैसे है भाई? तो भाई आए हुए हैं इधर ही मेरे साथ। मैं तो चाय पी रहा था इधर, तो मेरे को लगा कि यार चलो आप लोगों तक कुछ चीज़ें, जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं हमेशा कि जॉब्स कैसे मिलेंगे। देखो, सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर करो, जॉब इधर रोड पे नहीं पड़ी हुई है, सही है ना। आपको किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी एजेंट के थ्रू भी आ सकते हैं, अगर जो आपको एक्सपीरियंस हो अपनी होम कंट्री में। मेरे चैनल के थ्रू कितने बंदों को फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिल चुकी है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, अपने पैरों पर खड़े हो, दूसरे के पैरों पर खड़े हो के आप लाइफ को नहीं चला सकते। मैं आता है कि भाई हम दुबई क्यों आए। देखो यार, आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, जैसे इंडिया में, अगर जो आप इंडिया में बैठे हुए हैं तो मैं अमीर आदमियों की बात नहीं करूँगा, मैं अपने जैसे मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँगा। अगर जो कोई बंदा इंडिया के अंदर में है वो दुबई में अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, ठीक है ना। इंडिया में मतलब इंडिया के 3-4 गुना ज़्यादा पैसा दुबई में कमा सकता है। अगर जो इंडिया में कोई बंदा 10,000, 15,000 या 20,000 कमाता हो, इधर पर 60-70,000 रुपये, 50,000 रुपये कमा सकता है, ठीक है। मेन रीज़न तो याद है। नंबर दूसरी बात, नंबर दो बात को मैं जो लेता हूँ, इधर का जो मतलब आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी। मतलब आप अगर जो हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हार्ड वर्क से मेरा मानना ही है कि हार्ड वर्क से कोई भी आदमी अपने गोल अचीव नहीं कर सकता, आपने स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। देखो यार, जॉब्स मिलने के अगर जो मैं बताऊँ आपको, जॉब पोर्टल, ठीक है ना, जैसे इंडीड हुआ, नौकरी गर्ल्स हुआ, आप इस पर भी अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिलेगा, लेकिन वो जॉब मिलता है एक्सपीरियंस वालों बंदों को। अब जो बंदा मेरे को बोलेगा भाई मेरे को हेल्पर का जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए, तो यार वो जॉब ना तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ना आपको कोई गाइड कर सकता। वो ओनली आपको किसी एजेंट के थ्रू में जाओ, वो आपको लगवा सकता है, ठीक है। मेरे को उसमें या कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट हायर इतनी जल्दी नहीं करेगा, ठीक है। अब भाई मेरे को ये कमेंट नहीं करना कि भाई एजेंट बता दो, मुझे नहीं पता भाई कोई एजेंट के बारे में, ठीक है। और हमेशा जब भी दुबई में आओ, अपने आप को ये सोच के आओ कि यार आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही है। और लाइफ में यार आप रियली आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरे से कंपैरिजन करो। हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ सुनने में आया कि भाई कुमार भाई आप बोल रहे हो कि दूसरे से कंपैरिजन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं मेरे भाई है, मैं अपने आप को कंपैरिजन करता हूँ अपने दोस्तों से जो मेरे साथ में पढ़ते थे, ठीक है। मेरे को नहीं पता भाई किताबों में क्या लिखा हुआ है, कौन क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता हूँ। अब मेरे दोस्त हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और मैं हमेशा उनको देखता हूँ, यार जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है यार, मैं भी 2017 में आया था, मैं भी विजिट वीज़ा पर आया था, इधर पर आके मैंने जॉब चेंज किए, सारे काम किए, आज फिर लाइसेंस ले लिया था पहले ही। मैं हमेशा सोचता हूँ यार, जैसे मैं कुछ छोटा सा अचीव किया, आप मुझसे ज़्यादा अचीव करें दुबई में आके, अगर जो आपको दुबई में आने में प्लान है तो। किसी के चक्कर में ना पड़े इधर पे, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, जॉब मैं नहीं दिला सकता आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को यार, जॉब कोई नहीं दिला सकता आपको। हाँ, अगर जो किसी को पैसे ठगवाने हैं किसी से तो भाई दे सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं ना कि भाई मेरे साथ फ्रॉड होगा, भाई आपके साथ आपको कोई काम तो आता नहीं। आप किसी एजेंट के पास में जाएंगे, भाई मेरे को कोई भी वीज़ा दे दो, उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। एग्जाम्पल मैंने 12वीं किया है, 12वीं करने के बाद में मेरे को पता होना चाहिए भाई मेरे को BSc करना है, BTech करना है, या मेरे को BA करना है। हम किसी भी कॉलेज में जाएंगे, हम बोलेंगे भाई मेरे को BSc में एडमिशन लेना है, मतलब हम जो लोग उसके जाके बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई मेरे को कॉलेज जाना है, कॉलेज में भी एडमिशन दे दें, ऐसा नहीं होता ना। आप कभी भी किसी भी एजेंसी के थ्रू या कोई भी अपना गोल सेट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे को करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको जॉब दुबई में जॉब है ये नहीं मैं बोलता, लेकिन कंपटीशन इधर भी हमारी कंट्री की तरह ही हाई हो चुका है, सही है ना, हमारी कंट्री की तरह ही हाई हो चुका है इधर भी कंपटीशन। अगर जो आप एक जॉब की बात बताओ, अगर जो दुबई में ऑफिस बॉय की एक जॉब है ना, तो उसका इंटरव्यू भी इंग्लिश में लिया जाता है, और उसके बाद भी एक वैकेंसी है तो उसमें कई 100 आदमी उसके लिए अप्लाई करते हैं, एक ऑफिस बॉय की बात बता रहा हूँ।
तो सेम कंपटीशन हर एक जगह पे आ चुका है, तो आपको कंपटीशन में से ही मेहनत करके जॉब निकालनी पड़ेगी अपने लिए, फ्री में कोई नहीं देगा। या आपको, आप अपने घर पे बैठे हुए, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, आपको कोई भी जॉब नहीं दे सकता। अगर जो आप एजुकेटेड, मैं हमेशा बोलता हूँ जो एजुकेटेड पर्सन है, मतलब बीएससी बीटेक इंजीनियर या अकाउंटेंट, वो हमेशा ऑनलाइन ऑनलाइन पे अप्लाई करें। आपको कितने सारे बंदे, मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, कितने सारे बंदों को जॉब मिली और मैं उनको दुबई में आके बाद में उनको आपके साथ में वीडियो शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने किसी से पैसे नहीं दिए, एक धर्म में उन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन जहाँ आपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जैसे फ़्लाइट का पैसा आपने देना है, विजिट वीज़ा का पैसा आपने देना है, वो आपने देना ही पड़ेगा। बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई मेरे पास फ़्लाइट का पैसा नहीं है, भाई अपने घर पे रहो कौन देगा, ना मैं दूंगा ना कोई भी नहीं देगा भाई। तो जहाँ आपने पैसा खर्च करना है वहाँ करना ही पड़ेगा, और जहाँ आपको फ्री, जैसे वीज़ा फ्री मिलता है वो फ्री मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर, वो तक ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और हमारे भाई जहाज़ पे जहाज जा रहा है यार, ठीक है। तो हमारे जो यूट्यूब है वो 70,000 कम्प्लीट होने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं आप लोगों तक बहुत सारी बातें, टेक केयर, बाय बाय।